द इनविजिबल मैन चैप्टर 27 हिंदी समरी। अगले दिन डॉक्टर कैंप को ग्रिफिन के द्वारा भेजा हुआ एक धमकी भरा पत्र मिला। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। वह बुरी तरह से डर गए, पर उन्होंने खुद को संभाला और उन्होंने कर्नल एडी को नौकरानी द्वारा एक पत्र भेजा और कर्नल एडी उनके घर पर आ गए और उन्होंने डॉक्टर कैंप को बताया कि उनकी नौकरानी पर हमला हुआ है और उसके हाथ से पत्र छीन लिया गया था। इस बात को सुनते ही डॉक्टर कैंप को बहुत ही अफसोस हुआ और तभी घर की सारी खिड़कियां टूटने लगी। कर्नल एडी जानते थे कि ग्रिफिन से लड़ना कोई आसान काम नहीं होगा, पर ग्रिफिन तो उस वक्त शिकार की तलाश में घूम रहा था। कर्नल ने कैंप से बंदूक मांगी और कैंप ने उन्हें अपनी बंदूक दे दी और तभी ग्रिफिन आ गया और कर्नल एडी को धमकाने लगा और कहने लगा कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, तुम चले जाओ। पर कर्नल एडी ने चालाकी करने की कोशिश की और मारे गए। डॉक्टर कैंप ने भागकर अपने आप को किचन में बंद कर लिया, पर ग्रिफिन ने कुल्हाड़ी लेकर उनके दरवाजे को ही काटना शुरू कर दिया। पर तभी नौकरानी ने दो पुलिस वालों को बुला लिया और डॉक्टर कैंप ने उन्हें बताया कि ग्रिफिन ने कर्नल एडी को मार दिया है और उसके पास बंदूक भी है। ग्रिफिन कुल्हाड़ी और बंदूक लेकर उन पर टूट पड़ा, पर पुलिस वालों ने भी उसका जमकर सामना किया। एक पुलिस वाले की तरफ ग्रिफिन ने गोली भी चला दी, पर वह निशाने से चूक गई। तभी दूसरे वाले ने डंडा मारकर उसकी बंदूक गिरा दी, पर ग्रिफिन ने उन्हें धमकी देनी शुरू कर दी कि वह यहाँ चले जाएं, पर वे माने ही नहीं और ग्रिफिन ने कुल्हाड़ी उठाई और एक पुलिस वाले को ऊपर से लेकर नीचे तक काट के रख दिया। पर दूसरे ने जोर से उस पर डंडे से हमला कर दिया, इससे ग्रिफिन बुरी तरह से घायल हो गया और घबरा कर वहां से भागा। डॉक्टर कैंप और नौकरानी भी वहां से भाग गए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड